hello everyone in this video i'm going to cover your poem third that is keeping quiet keeping quiet means shanti rakhna this is your third poem from your book flamingo so let us start introduction of the poem the poem keeping quiet written by pablo नेरुडा ये पोइम है जो पब्लो नरुडा के द्वारा लिखी गई है डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस इसमें हमें डिस्कस किया गया है इस पोइम में कि जो पीस को शांति को मेंटेन करने की नीड क्यों होती है एंड साइलेंस साइलेंस को आ, क्रिएट करने की नीड क्यों होती है ही स्ट्रेस्ड वो स्ट्रेस डालते हैं इसमें पोई में जोर देते हैं अपॉन बीइंग क्वाइट चुप रहने के ऊपर एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग जो कि मनुष्य के लिए हार्मलेस हो सकती है नुकसान हार्मलेस नुकसान का हार्मलेस मतलब नुकसान से रहत हो सकती है एनिमल्स एंड एनवायरमेंट ह्यूमन बींग्स के लिए एनिमल्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए ही सुजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस वो हमें सलाह देते हैं शांति को मेंटेन करने के लिए एंड हारमोनी हारमोनी को मेंटेन करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रो इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ हमें अपने आप को स्टॉप करना होगा इंट्रोस्पेक्ट होता है अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना होगा ताकि हम अपने आपको शांत रख सके सो लेट अस डिस्कस द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोईम दिस पोईम इज रिटन इन फ्री वर्स ये पोईम है जो फ्री वर्स में रिटन है इट डजेंट फॉलो एनी राइमिंग स्कीम इसमें कोई भी राइम स्कीम स्कीम फॉलो नहीं है सो बिफोर स्टार्टिंग माई समरी आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव यूर मोर्स्ट पोच कीपिंग क्वाइट समरी कीपिंग क्वाइट इज अ प्लेस पीस पोईम ये एक शांति वाली पोइम है रिटर्न बाई चिल्ड्रेन पोइट पैब्लो नेरुडा पैब्लो नेरुडा के द्वारा राइट की गई द पोइट आर्क ह्यूमनिटी टू काउंट नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेल्व ये जो पोइट है मनुष्यों को कहता है कि आप नंबर काउंट करो वन से लेके ट्वेल्व तक ट्वेल्व बींग द नंबर ऑफ आर ट्वेल्व क्या है हमारा आज का नंबर है हमारा घंटों का नंबर है क्योंकि हमारे टाइम पीस में देखिए वन से लेके ट्वेल्व तक ही घंटे होते हैं शोन इन अ क्लॉक हमारे क्लॉक में शो किया जाता है और द नंबर जेडियोक साइन जेडियोक साइन क्या होता है जैसे हम किसी चीज़ के आ, गसी के साइन को शो करते हैं गमी के साइन को उस चीज़ को शो किया जाता है इसको ही रिक्वेस्टेड एवरी वन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर बिटवीन पीपल वो हर किसी को कहता है, कि नॉट टू स्पीक आप बोलो मत क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है वही बैरियर क्या होता है बाधाओं का कारण यही हमारी लैंग्वेज है जो बाधाओं का कारण बनती है किसमें लोगों के बीच में द मूवमेंट वेन एवरी वन स्टॉप मूविंग दे बॉडी वो पल जब हर कोई अपनी बॉडी को मूव करना बंद कर देता है विल बी वेरी स्पेशल वो पल बहुत ज्यादा स्पेशल होता है एंड डिफरेंट एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंसड और ऐसा होता है जैसे हमने कभी इस पल का एक्सपीरियंस लिया ही नहीं सच एज द मूवमेंट बिफोर इस पल से पहले द पोइट दैट इन दिस पीरियड ऑफ इन एक्टिविटी इस इन एक्टिविटी के पीरियड में द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स जो मछियां पकड़ने वाला है मछलियों को पकड़ने वाला अपनी मछलियों को क्या नहीं करेगा हार्म नहीं करेगा नुकसान नहीं पहुंचाएगा बेल्स uh, क्या होता है आसमान से बातें करना द साल्ट गैदरर विल नॉट हर्ट देअ हैंड्स जो नमक इकट्ठा करने वाला है वो अपने हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर जो हमारी नेचर को कुदरत को डिस्ट्रॉय क्या है नष्ट करने में बिजी हैं विल एडोप्ट अ फ्यू अप्रोच टू वर्ड्स लाइफ एडोप्ट क्या होता है गोद ले लेंगे लाइफ uh, के प्रति कुछ अप्रोचेज़ को क्या कर लेंगे गोद ले लेंगे अप्रोच क्या होता है पहुँच बना लेंगे द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वार्स जो आदमी लड़ाइयों की तैयारियाँ कर रहा है एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन द डैथ और जीत की तैयारी कर रहा है डेथ के बेस्ड पे ऑफ इनोसेंट पीपल विल ज्वाइन देअर एनिमी जो भोले वाले लोग हैं वो भी उसकी एनिमी को जॉइन कर लेते हैं एंड स्टैंडिंग यूनिटी विद दैम और यूनिटी बना के उसके साथ क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं डूइंग नथिंग वो कुछ नहीं करते नोवल वि हार्म हिम सेल्फ कोई भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और एनी अदर पर्सन किसी दूसरे पहुंचा unite, को नुकसान नहीं पहुँचा सकता एवरी वन विल यूनाइट हर कोई यूनाइट होके एकता से रहेगा एंड पौंडर अपॉन द एक्ट और पोंडर क्या होता है सोच विचार सोच विचार करेगा अपनी एक्ट के ऊपर एंड रिलाइज़ द रिज़ल्ट ऑफ द डीड्स और जो उसकी इच्छाएँ हैं उनका क्या करेगा रिजल्ट को रिलाइज करेगा एहसास करेगा द पोइट क्लैरिफाइज दिस हीज़ आइडिया जो पोइट है अपने आइडिया को क्लेरिफाई कर क्लेरिफाई करती है सेज फर्दर और आगे बोलती है दैट ही डजंट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडल वो नहीं चाहते कि लोग बिल्कुल फ्री खड़े रहें ही वांट्स दैट देयर शुड बी नो वार। वो चाहते हैं यहाँ पे कोई लड़ाई ना हो बिकॉज़ ही डजंट वांट टू सी ट्रक्स लेडन लेडन क्या होते हैं लदे हुए वो ऐसा नहीं देखना चाहते ट्रक आए लदे हुए विद डेड बॉडीज़ ऑफ द सोल्डर सिपाहियों की डेड बॉडी से ट्रक आए लदे हुए वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते ही इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है पूरे विश्व के भाईचारे की भावना को वो प्रमोट करना चाहते हैं एंड पीस और शांति को प्रमोट करना चाहते हैं द पॉइंट से इज़ दैट एवरी वन इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हर कोई बड़े कंटिन्यू तरीके से आराम वर्क कर रहे है अपना काम कर रहे टू अचीव वंस गोल अपने गोल को प्राप्त करने के लिए पीपल आर थीटनिंग बाई डैथ लोगों को मौत के द्वारा की जा रही है धमकी दी जा रही है एंड द फीयर फोर्स इज दैम टू वर्क एंड लेसली उनका जो फियर है डर है वो उनको ये सिखा रहा है कि काम करते रहो एंड तक सो दैट दे कैन अचीव एवरी थिंग

भीड़ से बाहर आए ही हैप्पी वो चाहता है हम खुश हो जाए अबाउट अवर अचीवमेंट जो भी हमने प्राप्त किया है एंड सेलिब्रेट दैम और जो भी हमने प्राप्त किया उसको सेलिब्रेट करें खुश हो जाए ही वॉन्ट अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ वो चाहते हैं कि हम मौत का जो डर है हमारे अंदर उसे बाहर आए एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल कुछ पल के लिए हम क्या करे? करें रिलैक्स करें वी शुड नो द रिजल्ट ऑफ आवर डीड्स हमारी इच्छाओं का रिजल्ट हमें जान लेना होगा एंड सेलिब्रेट अवर अचीवमेंट अपनी अचीवमेंट को प्राप्तियों को क्या करना होगा सेलिब्रेट करना होगा वेन द पीपल विल रिमेन क्वाइट जब लोग बिल्कुल शांत रहेंगे फॉर अ वाइल कुछ टाइम के लिए दे विल रईज़ द पर्पज़ ऑफ देयर लाइफ उनको पता चलेगा कि उनकी लाइफ का क्या पर्पज़ है जस्ट लाइक ऑल द क्रिएशंस ऑफ द गॉड क्रिएशंस ऑफ़ नेचर जो भी नेचर की कुदरत की अदर क्रिएशंस है कुदरत की और पैदावार है अंडर गो द बर्थ जो बर्थ के अंडर है मतलब जिनको बर्थ मिला है क्रिएशंस को विद द चेंज ऑफ द सीजन जो सीजन के साथ चेंज होती हैं सिमिलरली कीपिंग क्वाइट विद द रीबर्थ ऑफ द ह्यूमन साइल वो भी बिल्कुल चुप रहती हैं किस पे जब ह्यूमन साउल का मनुष्य की आत्मा का रीबर्थ होता है दोबारा बर्थ होता है इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू अवर लाइफ ये हमारी लाइफ को क्या है न्यू मीनिंग प्रोवाइड करती हैं अगेन द पोइट से दोबारा फिर पोइट कहता है दैट ही विल काउंट टिल ट्वेल्व वो काउंट करेगा ट्वेल्व तक वन से लेके ट्वेल्व तक एंड ask everyone to टू रिमेन क्वाइट और हर किसी को कहेगा कि बिल्कुल चुप रहो while ही लीव जब तक वो क्या करता है यहाँ से लीव करता है सो दिस वन was यू complete एक्सप्लेनेशन ऑफ यूर poem दैट इज कीपिंग क्वाइट थैंक यू ऑल फॉर watching hope यू हैव enjoyed दिस poem